नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजीत कुमार, आज आपको बताऊंगा फास्ट फूड के साइड इफेक्ट, फास्ट फूड के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में चाहे बूढ़ा हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सब फास्ट फूड कोई ना कोई अपनी लाइफ में आजकल जरूर खा रहा है, क्योंकि एक तरह का एक फैशन भी बन गया है और ये एक ट्रेंड भी बनता जा रहा है। लेकिन इसके जितने घातक परिणाम हो सकते हैं वो शायद ही आपको पता हो। इसके इतने घातक परिणाम हो सकते हैं कि आपको शायद जीवन भर इनका बहुत पछतावा हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फास्ट फूड खाने से या स्ट्रीट फूड खाने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे आप रोड पे कहीं भी कोई भी खाने की ठेली लगी है या समोसे खुले में रखे हुए हैं वो आप खा लेते हो, तो उनसे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फास्ट फूड। फास्ट फूड के अंदर आपका आता है मोमो, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सभी फास्ट फूड में आते हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप फास्ट फूड खाते हो वो एक तो जो पकाया जाता है वो पकाया जाता है रिफाइंड ऑयल में। रिफाइंड ऑयल एक हमारे हर्ट के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाली चीज़ है, और उसके अंदर जो डलता है उसे टेस्टी बनाने के लिए जो मैदा होता है, मैदे के अंदर एक केमिकल डलता है जिससे वो हमें टेस्टी लगता है, वो भी हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहला जो हमें नुकसान होता है फास्ट फूड से वो होता है हमें मोटापा होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है, हमें दिल की अनेक बीमारियाँ हो जाएगी, हमारा बीपी बढ़ने लगेगा और हमारा जो ब्लड शुगर है, डायबिटीज़ तक की समस्या हमें फास्ट फूड खाने से हो जाती है। अगर कोई इंसान डेली फास्ट फूड खाता है, डेली फास्ट फूड का सेवन करता है, तो उसे ज़रूर इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आज ही अपना हेल्थी जीवन जीने के लिए ये सब चीज़ें आप त्याग दें और अपना स्वास्थ्य का आहार अपने खाने में शामिल करें। और सबसे बड़ी बात, हमें फास्ट फूड खाने से हमारा पेट तो भर जाता है, पेट भरने से हमें आलस आता है, आलस आने से हमें नींद आती है, नींद आने से हमें मोटापा होता है, लेकिन हमें उससे क्या, हमें उससे पोषक तत्व नहीं मिल पाते, उससे हमें हमारे जो शरीर को विटामिन्स मिनरल्स चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों, ये केवल आपको नुकसान देता है, इसके अलावा ये आपको कुछ नहीं देता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे हम बाहर रोड पे जा रहे हैं, कहीं एक दुकान देखी, उस पर एक समोसे रखे हैं, समोसे हमने खा लिए, उस पर धूल लगी है, साफ़ सफाई से बना नहीं है, वो आपकी आंतों में इन्फेक्शन तक कर सकते हैं, आपकी आंतों को IBS प्रॉब्लम कर सकती है, एसिडिटी हो सकती है, पेट की समस्याएं हो सकती है। जब आपको पेट की समस्याएं होंगी तो उसके साथ साथ आपके शरीर में दुनिया भर की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। तो दोस्तों, आज ही आप फास्ट फूड को त्यागें और एक अपना हेल्थी खाना जीवन में शामिल करिए। कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब फास्ट फूड में ही आते हैं, ये बहुत नुकसान देते हैं। आज के टाइम में भारत में 2-7% लोग डायबिटीज़ की बीमारी से पीड़ित हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण फास्ट फूड, बेकार दिनचर्या, कोल्ड ड्रिंक का अधिक सेवन, सॉफ्ट ड्रिंक का अधिक सेवन, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। इन चीज़ों से आपको बचने के लिए इन चीज़ों को त्यागना होगा और अपना जो जीवन है उसे स्वस्थ रखने के लिए एक पौष्टिक आहार को आपको अपनाना होगा। नियमित पौष्टिक आहार करें, व्यायाम करें और निरोगी रहें। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप मुझे बताइए कि मैं अगली जो वीडियो बनाऊँ वो किस टॉपिक पर बनाऊँ। धन्यवाद।